मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी, जिन्हें हम प्यार से बापू भी कहते हैं। गांधी जी का जन्म 1869 में गुजरात के राजकोट के पोरबंदर में हुआ। इनके माता जी का नाम पुतलीबाई व पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। एक छात्र के रूप में महात्मा गांधी बहुत ही प्रतिभाशाली थे। बचपन से ही महात्मा गांधी अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने स्कूल व कॉलेज की शिक्षा गुजरात में पूरी की। उसके बाद गांधी जी कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए और बैरिस्टर बन गए। 1893 में कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे दक्षिण अफ्रीका अभ्यास करने के लिए गए। दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद गांधी जी की आंखें खुली और उन्हें पता चला कि कैसे वहां भारतीय लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। गांधी जी अन्याय सहने वालों में से नहीं थे। उन्होंने सोचा इसके बारे में कुछ तो करना ही होगा। गांधी जी भारत लौट आए और भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए उन्होंने अहिंसात्मक तरीकों का इस्तेमाल किया और सभी भारतीयों को देश निर्मित चीज़ों का उपयोग करने के लिए कहा। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए कई कुर्बानियां दी। उन्हें ब्रिटिश शासकों के हाथों बहुत कष्ट सहना पड़ा और कई अवसरों पर जेल भेज दिया गया। इतनी कठिनाइयों के बाद आखिरकार हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। सारा जहां देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, कभी कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहां भी, बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझे। जनवरी 1948 को गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी के सिद्धांत और मूल्य हमेशा हमें सही राह दिखाते रहे हैं। गांधी जी ने ही हमें स्वच्छता का महत्व समझाया, तो क्यों ना उनके जन्मदिन के इस अवसर पर हम सभी ये संकल्प लें कि आज से हम अपने चारों तरफ सफाई रखेंगे।